फिल्म की शुरुआत में हमें आर्थर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी काफी साधारण गुजर रही थी। ये तभी एक दिन जब वो कॉफी पी रहा होता है तो उसका घर अचानक से ही हिलने लगता है, जिसे देखने वो घर के बाहर आता है जहाँ कई सारे जेसीबी और कुछ ऑफिशियल लोग थे जो आर्थर का घर तोड़ने आए थे क्योंकि उसके घर की जगह एक बाईपास बनाया जाएगा। पर आर्थर अपने घर को बचाने के लिए जेसीबी के सामने लेट जाता है, लेकिन ऑफिशियल्स कहते कि हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि घर खाली कर दो। पर तभी आर्थर का एक दोस्त फोर्ड आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ चलो। वो फिर उसे एक होटल लेकर आता है जहां वो उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक एलियन हूँ और मुझे पता चला है कि बस 10 मिनट के अंदर ही इस धरती को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब जाहिर तौर पर ये सुनकर आर्थर को यकीन नहीं होता, पर फोर्ड फिर कहता है कि तुम्हें याद है कि हम कैसे मिले थे, जिसके बाद फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां फोर्ड चलती गाड़ी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और सही समय पर आर्थर आकर उसे बचा लेता है और इससे दोनों में दोस्ती हो जाती है। आप प्रेजेंट समय में फोर्ड कहता है कि जैसे तुमने मेरी जान बचाई वैसे ही मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, और इस धरती को बर्बाद होने से पहले आखिरी बार तुम्हें अगर किसी से मिलना है तो मिल सकते हो। पर आर्थर जवाब देता है कि वो चली गई है, जिसके बाद अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां आर्थर एक फैंसी ड्रेस पार्टी में होता है और तभी उसकी दोस्ती ट्रिलियम नाम की लड़की से हो जाती है। पर ट्रिलियम को दुनिया घूमने का शौक था इसलिए वो आर्थर को सारी दुनिया घुमाने को कहती है, लेकिन आर्थर के पास उतने पैसे नहीं थे इसलिए वो उसे एक छोटे होटल में चलने को कहता है। पर तभी वहाँ जैपहॉट नाम का एक आदमी आ जाता है जो ट्रिलियन से कहता है कि मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी गैलेक्सी घुमाऊंगा, जिस पर वो उसके साथ चली गई। अब वहीं प्रेजेंट समय में आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन घर अब टूट चुका था और तभी आकाश में एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप आ जाता है जिस शिप से एक एलियन पूरी धरती के लोगों से कहता है कि मैं गैलेक्टिक हाइपर स्पेस प्लानिंग काउंसिल से बात कर रहा हूँ, मुझे पृथ्वी को बर्बाद करने का आदेश मिला है क्योंकि स्पेस में एक हाइपर एक्सप्रेस बनाया जा रहा है जिसके बीच में आपकी पृथ्वी आ रही है। इसीलिए फोर्ड आर्थर को पकड़कर अपनी अंगूठी को उस शिप की तरफ दिखाता है जिसमें से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के जरिए दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी को हजारों शिप घेर कर विस्फोट कर देते हैं जिससे पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इधर आर्थर और फोर्ड स्पेसशिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फोर्ड आर्थर से कहता है कि जिन एलियंस ने इस धरती को बर्बाद किया वो एलियन आदेश पर काम करते हैं, जब उन्हें ऑफिशियल आदेश मिलता है और शायद वो हमारी घुसपैठ से गुस्सा भी हो सकते हैं, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से बाहर जाना होगा। पर तभी एलियन का सीनियर उन्हें देख लेता है, जिसके बाद कई सारे एलियन उन्हें बंदी बनाकर अपने सीनियर मोस्ट के पास लेकर आते हैं जो उन्हें अपनी लिखी हुई कविता सुनाता है। जिस एलियन की शक्ल और आवाज एकदम भयानक थी, जिसकी आवाज सुनकर फोर्ड वहीं बेहोश होने लगता है और वो एलियन कविता पढ़ने के बाद आर्थर से सवाल करता है कि तुम्हें मेरी कविता कैसे लगी, जिस पर आर्थर उससे बचने के लिए झूठी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी उसे शक हो जाता है इसलिए वो उन दोनों को स्पेसशिप से बाहर ही फेंक देता है। और अब वो स्पेसशिप में तैरते हुए एक छोटी हार्ट ऑफ कोल नाम की स्पेसशिप में गिर जाते हैं और उस शिप को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि जैपॉड और ट्रिलियम ही थे, जहां ट्रिलियम न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जाता है कि गैलेक्सी के नए प्रेसिडेंट जैपॉड, जिन्होंने कोवुला को हराया, वो हार्ट ऑफ कोल शिप को चुरा कर अपने साथ ले गए, इसलिए अब उनके पीछे पुलिस पड़ी है। और तभी ट्रिलियम को मालूम हो जाता है कि शिप पर दो लोग आए हैं, इसलिए वो एक छोटे रोबोट जो हमेशा डिप्रेस रहता है उसे उन्हें यहाँ लाने भेजती है। वो रोबोट आर्थर और फोर्ड को जैपॉड के पास लाता है, जहाँ जैपॉड फोर्ड को देखकर एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों कजन है। और तभी वहाँ ट्रिलियम भी आ जाती है जो आर्थर को देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों अब बात कर ही रहते हैं कि बीच में जैपॉड आ जाता है जिसके पास दो पर्सनैलिटी होती है और उसकी दूसरी वाली पर्सनैलिटी बदमाश टाइप की थी। अब उसके बीच में आने के कारण वो अपनी बात बंद कर देते हैं और अब जैपॉड सभी को एक छोटी डिवाइस दिखाता है जिसमें कोई वीडियो होती है जिसमें दो बच्चियां जो एलियन है उन्होंने मैग्राथिया नाम के प्लैनेट पर एक बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर नेम डीप थॉट बनाया था,
जो दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सके, जैसे कि जीवन का क्या मतलब है, ब्रह्मांड की रचना क्यों की, और इसी तरह के सवाल जिनका कोई जवाब नहीं, उनके जवाब जानना चाहते थे। वो कंप्यूटर उन एलियन से कहती है कि यदि तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो तुम यहाँ 7 साल बाद आना। जो देखते ही देखते अब 7 साल गुजर जाते हैं और फिर से वो दोनों एलियन कंप्यूटर से वही सवाल करते हैं। लेकिन अब वो कंप्यूटर कहती है कि तुम्हें जवाब जानना है तो तुम्हें सही सवाल लाना होगा, तुम्हारा सवाल ही गलत है। जो सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो वीडियो बंद हो जाती है। फोर्ड अब जैपोर्ट से कहता है कि तुम इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि यदि मुझे इसका जवाब मिल जाए तो मुझे सब देवता मानेंगे। आप सभी अब अपनी स्पेसशिप से मार्स या प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैपोर्ट की दूसरी पर्सनैलिटी किसी गलत बटन को दबा देती है, इसलिए उनका स्पेसशिप किसी और ही प्लैनेट पर आ जाता है। और अब सभी उस प्लैनेट को एक्सप्लोर करते हुए एक हॉल में आ जाते हैं, जहां कबूला भाषण दे रहा होता है। और भाषण के बाद वो जैपोर्ट को देखकर कहता है कि क्या तुम यहां पुरानी दुश्मनी को निभाने तो नहीं आए हो। जिस पर जैपोर्ट समझाता है कि हम मैग्राथिया जा रहे थे, लेकिन हमारा रास्ता बदल गया, इसलिए हम यहां पहुंच गए। कबूला अब उन्हें एक लॉकेट दिखाता है जिसमें मैग्राथिया प्लैनेट के कोऑर्डिनेट लिखे थे, पर वो उन्हें लॉकेट देने के बदले कहता है कि तुम्हें मुझे मैग्राथिया से एक गन जिसे सुपर कंप्यूटर ने बनाया है वो लाकर देना होगा। जिस पर जैपोर्ट हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो हॉस्टेज के तौर पर उसका बदमाश वाला सिर काटकर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर बाहर उन्हें कुछ एलियन पुलिस मिलते हैं जो सभी को घेर लेते हैं और उन्हें कंट्रोल रूम से वाइस प्रेसिडेंट और एलियन का सीनियर ऑर्डर देता है कि जिन्होंने प्रेसिडेंट को अगवा किया उन्हें मार दो। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट को लग रहा था कि आर्थर और बाकियों ने जैपोर्ट का अपहरण किया है, इसलिए सभी उन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन अब ट्रिलियम एक जूस कैन को गन की तरह जैपोर्ट के ऊपर रखती है और सभी को चेतावनी देती कि दूर हट जाओ वरना मैं इसे मार दूंगी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पुलिस एलियन से कहती है कि वो झूठ कह रही है, उसे पकड़ लो, इसलिए सभी उसे पकड़ लेते हैं। पर बाकी कैसे तो करके स्पेसशिप में आने में सफल हो जाते हैं और अब स्पेसशिप ऑटोमेटिक मैग्राथिया की तरफ जाने लगता है। वो उसे पूरी कोशिश करके उस प्लैनेट पर जाने के लिए मुड़ते हैं जहां ट्रिलियम को उन्होंने रखा है, लेकिन स्पेसशिप अपनी दिशा से नहीं बदलता, इसलिए सभी ट्रिलियम को बचाने के लिए एक स्पेसपोर्ट की मदद से स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। पर उनका पॉट प्लैनेट पर आते ही क्रैश हो जाता है, पर भाग्य से वो सभी बच जाते हैं। अब सभी जेल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ट्रिलियम को जेल में डाला गया है। पर रास्ते में आर्थर को कोई अजीब सा लोहे जैसा क्रीचर जमीन से निकलकर उसे मारने लगता है, जिसके बाद वो बाकियों पर भी हमला कर देते हैं और उसे मार खाते हुए सभी जेल के पास आ जाते हैं, जहां आर्थर रोबोट का हाथ तोड़कर उसे गन की तरह प्रयोग करते हुए जेल के अंदर घुस जाता है, जहां उन्हें कई सारे अजीब अजीब एलियन दिखाई देते हैं। इधर ट्रिलियम से पूछताछ की जा रही होती है कि तुम कहाँ से हो, जिस पर वो पृथ्वी का नाम लेती है। पर फीमेल एलियन कहती है कि वो बर्बाद हो चुका है, तुम वहाँ की कैसे हो सकती हो। अब ये सुनकर ट्रिलियम एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पृथ्वी के बर्बाद होने के बारे में पता नहीं था। फीमेल एलियन अब उसे आदेश के पेपर दिखाती है जिसमें पृथ्वी को बर्बाद करने का आदेश लिखा था और वही जैपोर्ट की साइन भी थी। दरअसल जैपोर्ट ने इस पेपर को बिना पढ़े साइन कर दिया था, उसे लगा था कि ऑफिसर्स उसका ऑटोग्राफ लेने आए थे। इधर आर्थर काउंटर पर बैठी फीमेल एलियन से कहता है कि मुझे ट्रिलियम को छुड़ाना है, पर वो फीमेल एलियन कहती है कि उस पर प्रेसिडेंट के अपहरण करने का आरोप है, इसलिए आर्थर उसे जैपोर्ट को दिखाता है कि वो अपहरण नहीं हुए हैं। जिस पर अब वो एलियन उन्हें एक फॉर्म भरने को कहती है, जिसके बाद वो फॉर्म एलियन के हेड के पास आता है जो ट्रिलियम को सजा देने वाला था, इसलिए वो फॉर्म के मदद से वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद सभी उस पॉड में बैठकर हार्ट ऑफ कोल्ड स्पेसशिप में आ जाते हैं और अब उस स्पेसशिप के जरिए अब मैग्राथिया प्लैनेट के पास आते हैं। लेकिन उन्हें अंदर जाने से पहले एक होलोग्राम आदमी चेतावनी देता है कि प्लैनेट अभी बंद है, इसलिए बाद में आओ। लेकिन जैपोर्ट चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए प्लैनेट के अंदर जाने लगता है, जिस पर फिर वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हारे स्पेसशिप को बर्बाद कर देंगे। और अब उनके स्पेसशिप पर मिसाइल्स के हमले होने लगते हैं,
पर तभी आर्थर किसी बटन को दबा देता है और उसकी ऐसा करते ही मिसाइल फूलों के पॉट में बदल जाते हैं, जिसके बाद अब सभी मैग्रेथिया प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। अब वो सभी प्लैनेट को एक्सप्लोर करते हुए ऐसी जगह आ जाते हैं जहां उन्हें कुछ पोर्टल्स दिखाई देते हैं। ज़ैपॉड अब कहता है कि यहाँ वो रास्ता है जहाँ से हम डीप थॉट के पास पहुँच सकते हैं। वो फिर एक पोर्टल को चालू करने की कोशिश करता है जिसमें वो सफल भी हो जाता है, लेकिन फिर आर्थर कहता है कि हम इस पोर्टल में नहीं जाएंगे, कहीं इस पोर्टल ने हमें नैनो पार्टिकल्स में बदल दिया। तो अब इन सब में बहस चल ही रही होती है कि ट्रिलियम सीधे पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ज़ैपॉड और फोर्ड भी अंदर चले जाते हैं। और अब सभी को अंदर जाता देख आर्थर भी हिम्मत करके अंदर जाने ही वाला होता है कि पोर्टल बंद हो जाता है और अब वो और रोबोट दोनों कड़कते ठंड में वहीं बैठे रहते हैं कि तभी उनके पास एक आदमी ने मार्विन आता है जो आर्थर को अपने साथ चलने को कहता है, पर आर्थर उस पर विश्वास ना करके उसे मना कर देता है। लेकिन फिर मार्विन कहता है कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए अब वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। मार्विन फिर उसे अपने ऑफिस लाकर कहता है कि हमारी कंपनी प्लैनेट बनाया करती है, जिसे सुनकर आर्थर एकदम हैरान हो जाता है। वो फिर आर्थर को रोलर कोस्टर जैसी ट्रेन में बिठाकर उसे अपनी फैक्ट्री दिखाता है जहाँ प्लैनेट बनाने का काम चल रहा है, जो नज़ारा एकदम ही भव्य और खूबसूरत था, जिसे देख आर्थर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मार्विन फिर उसे पृथ्वी के पास लाकर कहता है कि ये अर्थ वर्जन 2 है, इसमें हमने अर्थ 1 का बैकअप डाल दिया है, पर इसे पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। वो फिर आर्थर को अर्थ वर्जन 2 घुमाता है जहाँ कुछ लोग पहाड़ को रंग रहे थे तो कुछ समुंदर बना रहे थे। मार्विन फिर कहता है कि पृथ्वी पर एलियन रहते थे जो चूहों के रूप में थे और तुम उन्हीं के बनाए हुए कंप्यूटर एलिमेंट हो। अब ये सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैपॉड और बाकी सभी डीप थॉट के पास आकर उससे अपना सवाल का जवाब मांगते हैं, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, इसके जवाब के लिए एक सुपर पावर कंप्यूटर पृथ्वी पर बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बर्बाद होने के कारण वो कंप्यूटर भी बर्बाद हो गया और अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो क्योंकि ये समय मेरे टीवी देखने का है। ज़ैपॉड फिर कहता है कि अब मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं मिलेगा, जिसका मतलब कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। और फिर फोर्ड डीप थॉट से उस गन के बारे में पूछता है जिसे कोबुला ने मांगा था, जिससे तभी वहाँ एक गुप्त जगह खुलती है जिसके अंदर उन्हें वो गन मिल जाती है। दरअसल इस गन को किसी पर भी चलाया जाए तो गन चलाने वाले के थॉट जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा हो, वो थॉट जिस पर गन चलाई गई है वो सब उगलने लगता है, इसलिए ट्रिलियम ज़ैपॉड पर गन चला देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ सफर पर हो जो तुम्हें समझ भी नहीं पाता और वहीं एक ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर रही हो जो तुम्हें अच्छे से समझता है। अब ये सुनकर ट्रिलियम भावुक हो जाती है और अब सभी उस पोर्टल के अंदर से होते हुए अर्थ वर्जन 2 पर आ जाते हैं। इधर मार्विन आर्थर को अर्थ वर्जन 2 में बने उसके घर के पास लाता है जहाँ घर के अंदर उसे उसके बाकी दोस्त भी मिलते हैं। तभी फिर आर्थर को वो चूहे भी दिखाई देते हैं जो उसे कहते हैं कि पृथ्वी तो पहले जैसी बन गई, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर को बनाने की लिंक तुम्हारे दिमाग में है, इसलिए हमें तुम्हारा दिमाग चाहिए। और फिर वो उसे बंदी बनाकर उसके सिर पर एक डिवाइस लगा देते हैं। आर्थर उनसे विनती करता है कि मेरे पास कोई लिंक नहीं है, पर फिर भी वो नहीं सुनते, इसलिए अब कैसे तो करके आर्थर अपने सिर पर लगा डिवाइस निकालकर उन चूहों को मार देता है, जो दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही एलियन थे जिन्हें सवालों का जवाब चाहिए था। पर अब वहाँ वाइस प्रेसिडेंट और पुलिस एलियन आकर उन पर हमला करने लगते हैं, पर वो रोबोट गन को सभी पर चलाकर अपने अंदर का सारा डिप्रेशन उन्हें दे देता है, जिससे सभी एलियंस डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मार्विन की ट्रेन में बैठकर गैलेक्सी की दूसरी तरफ होटल की सैर करने चले जाते हैं। और अब पृथ्वी पूरी तरह से पहले जैसी हो जाती है, जहां सारे इंसान भी वापस आ जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।